दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह पाई नेटवर्क के कॉइन्स किस तरह सेल करने हैं, इसका रेट क्या है और आपने पाई नेटवर्क के कॉइन्स किस तरह विड्रॉ करानी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट काशिफ। आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल काशी टीवी पे। दोस्तों, आपको पता है पाई नेटवर्क एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, बहुत अरसा हो चुका है। आपको पता है कि इस पे बहुत से लोगों ने माइनिंग की हुई है, इससे बहुत से लोगों ने कॉइन्स इकट्ठे किए हुए हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैं पाई नेटवर्क के कॉइन्स जो होते हैं मैं वो विड्रॉ करा सकूं, आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह विड्रॉ कराने हैं, क्या आपको विड्रॉ कराना चाहिए, क्या आपने ये कॉइन्स सेल करने हैं, किस तरह सेल करने हैं, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपने अभी तक काशी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को आपने लाजमी से लाइक करना है। दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अभी पाई नेटवर्क के कॉइन्स कभी भी सेल मत करें, क्योंकि दोस्तों आने वाले वक्त में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे ट्रेडर यहां पे बैठे हुए हैं, वो कॉइन्स खुद खरीद रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, आप ग्रुप में चले जाएं, किसी भी पाई नेटवर्क में ग्रुप में जाएं, वहां पे वो लोग कॉइन्स खरीद रहे हैं, 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए रेट लगा के वो खुद कॉइन्स खरीद रहे हैं। कॉइन्स आपने किस तरह सेल करने हैं वो मैं तरीका बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पाई नेटवर्क के कॉइन्स सेल कर सकूं, 15 से 20 रुपए रेट लगेगा उनका, आपने करना क्या है, सिंपल आपने पाई नेटवर्क एप्लीकेशन ओपन करके KYC आपने कंप्लीट कर लेनी है। KYC कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, आप अपने कॉइन्स दूसरे को सेंड कर सकते हैं, एड्रेस उससे लेंगे, सिंपल आपने एड्रेस पेस करना है, आप पाई नेटवर्क ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने ये किस तरह करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं, सिंपल दोस्तों आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं, ज्वाइन करें, उनके साथ आप डील करें। डील करते वक्त दोस्तों आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि आप उससे पहले पैसे लें, पैसे लेने के बाद फिर आप कॉइन ट्रांसफर करें, हाफ पेमेंट ले लें या फिर आप उससे कुछ ना कुछ पैसे लेके आप उसे कॉइन ट्रांसफर करें। दोस्तों, इस तरह आप पाई नेटवर्क के कॉइन्स सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यहां पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप अभी पाई नेटवर्क के कॉइन्स मत सेल करें, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई पता नहीं होता। आपको पता है बिटकॉइन की भी प्राइस इसी तरह बहुत लो थी, अब आप प्राइस चेक कर सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस कितनी ज्यादा हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पाई नेटवर्क से पैसे कमा सकूं तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप 15-20 रुपए रेट लगा के अपने पाई नेटवर्क मत सेल करें, अपने पास रखें, आने वाले वक्त में कोई पता नहीं होता कि इसकी प्राइस ज्यादा हो जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अभी सेल मत करें, अपने पास रखें। हो सकता है कि पाई नेटवर्क की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर आप यहां पे 15-20 रुपए रेट लगा के मत सेल करें। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।